हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके मलिक। मैं आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो आप सब जानते हैं, जब मोनेटाइज हो जाता है, जब तक आपका $100 कंप्लीट नहीं होता है एडसेंस अकाउंट में, आप विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। जब आपका $100 कंप्लीट हो जाता है, वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विड्रॉ करने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, आप जब विड्रॉ करेंगे, इसके लिए आपका एक बैंक अकाउंट का ज़रूरत है, जो आप मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बैंक अकाउंट और आपका जो स्विफ्ट कोड जो होता है बैंक का, वो कैसे आप इसको भर पाएंगे, जो आपका बैंक सेक्शन में कैसे एडसेंस अकाउंट में आप भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैं गूगल अकाउंट में आ गया हूँ। देखिए, यहाँ हमारा शॉर्टकट है, बुक मार्क जो बोलते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हम जाएंगे हमारा एडसेंस अकाउंट में। देखिए, हम यहाँ आ गए हैं, हमारा एडसेंस अकाउंट हम यहाँ साइन इन करेंगे। इसको हम करेंगे नेक्स्ट। जो भी आपका एडसेंस अकाउंट का ईमेल आईडी होगा, आप वहाँ भर दीजिएगा और आपका पासवर्ड दे दीजिएगा। देने के बाद आपका नेक्स्ट पे जाएंगे। थोड़ा सर्वर स्लो हो रहा है, शाम का टाइम है, बारिश हो रहा है, इसलिए थोड़ा सर्वर स्लो हो रहा है। मैं आपको थोड़ा स्किप कर दूंगा वीडियो। देखिए, हमारा यहाँ जो एडसेंस अकाउंट यहाँ खुल गया है। देखिए, यहाँ मेरा एडसेंस अकाउंट पे हम आ गए हैं। यहाँ देखिए, मेरा $94.72 अभी तक हुआ है। जब तक ये $100 हो जाएगा, मैं इसको विड्रॉ कर पाऊँगा। यहाँ हुआ है 94.72, ठीक है। तो हम जाएंगे अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे जुड़ेंगे, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ हो गया आपका लेफ्ट साइड में जो है आपका होम है, ऐड से, साइड से, ब्लॉकिंग कंट्रोल से, आपका रिपोर्ट से, ऑप्टिमाइजेशन है, पेमेंट से, अकाउंट से और फीडबैक है। तो आप क्या करेंगे, जाएंगे पेमेंट्स में, डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे पेमेंट्स में। अब अगर मोबाइल में करेंगे तो आप क्या करेंगे ना, डेस्कटॉप साइट में जाएंगे तो ये एडसेंस अकाउंट आपका आ जाएगा। ऐसे तरह का इंटरफेस आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर आप डेस्कटॉप साइट में नहीं जाएंगे तो आपका थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो हम पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दिए हैं। पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए, हमारे यहाँ भी शो कर रहा है 94.72। यहाँ देखिए, पेमेंट थ्रेशोल्ड जो होता है आपका $100 होने से आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हमारा कब तक का कितना अमाउंट था, डॉलर था, ये यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ हमारा वन यूजर यहाँ ऐड किया हुआ है, दूसरा यूजर हम ऐड नहीं किए हैं। तो यहाँ देखिए, हाउ टू गेट पेड, हाउ यू गेट पेड लिखा हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा, हाउ यू गेट पेड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऐड पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट प्रोसेस है, ये कंपलसरी प्रोसेस है, और कुछ भी आपको करने का ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने का ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, आप ऐसे करते जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट वहाँ आपका ऐड हो जाएगा। देखिए, ऐड ए पेमेंट मेथड यहाँ आ गया है। आप क्या करेंगे, देखिए बेनिफिशियरी आईडी ये ऑप्शनल है, आप यहाँ दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, नेम ऑफ बैंक अकाउंट, यहाँ बैंक अकाउंट का जिसमें मैं पेमेंट लेना चाहूँगा, इस बैंक का अकाउंट का मेरा जो नाम है क्या है, मेरा खुद का नाम है। मैं यहाँ भर दिया हूँ और बैंक नेम हम भर देंगे यहाँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आईएफएससी कोड हम भर देंगे। आईपी कोड भर दिए हैं और यहाँ देखिए स्विफ्ट कोड, आप अगर नेट में सर्च करेंगे, ये जो हर बैंक का स्विफ्ट कोड मेन ब्रांच में होता है, आप वहाँ, मैं इसको कॉपी कर दिया हूँ, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखिए, ये होता है आपका स्विफ्ट कोड एसबीआई का, जो मेन ब्रांच होता है, इसका स्विफ्ट कोड आपको मिल जाएगा। नेट में अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आप बैंक से भी आप पता कर सकते हैं।
तो इसके बाद आपका अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। रीटाइप अकाउंट नंबर भी करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये सारे आपका फॉर्मेलिटी फिलअप हो गया है, आपका नेम दे दीजिएगा, आपका स्टेट बैंक बैंक का नाम दे दीजिएगा। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मैं स्टेट बैंक दे दिया हूँ। और आईएफएससी कोड आपका, मेरा जो आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड मैं दे दिया हूँ। और आपका स्विफ्ट कोड आपका नेट में मिल जाएगा, नहीं तो बैंक में मिल जाएगा। और अकाउंट नंबर आप दे दीजिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। देखिए हमारा यहाँ जो अकाउंट नंबर है यहाँ ऐड हो गया है। देखिए मेरा नाम पे अकाउंट नंबर है, ये ऐड हो गया है। और आप चाहें तो इसको आपको एडिट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अगर आप दूसरा अकाउंट जोड़ना चाहते हैं तो आपका ऐड पेमेंट मेथड पे फिर जाएंगे। जाने के बाद आप यहाँ जोड़ सकते हैं जो आपका, जैसे आप पहले फिल किए हैं, दूसरा बैंक का अगर आप देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं। और आप अगर नहीं देना चाहते हैं तो ये जो आपका पहला जो ऐड किए हैं वो आपको रहने देते हैं। देखिए हमारा यहाँ ऐड हो गया है। अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं, आपका एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आप यहाँ आपको एडिट कर सकते हैं। एडिट के ऑप्शन में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है यहाँ आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ एडिट आप कर सकते हैं। देखिए आपका नाम और आपका स्टेट बैंक और ये जो सारे बैंक का आपका एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका बैंक का जो अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्दर अपडेट्सन के लिए, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा जो चैनल है क्रिएटर रतिकांत, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा जो एक दूसरा चैनल है, मैं दूसरा चैनल का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक गानों का चैनल है, अगर आप गानों का शौक रखते हैं। मैं ओडिया गाना का कंपोज और प्रोड्यूस करता हूँ। अगर मेरा एक खुद का स्टूडियो है, तो अगर आप गानों का शौक रखते हैं मेरा चैनल आप देख लीजिए, आप विजिट कर लीजिए। अगर हो सके तो मेरा दूसरा चैनल सीक्रेट कलाकार, इसका नाम है, इसका आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।